साइंस में सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। अब जो फूड हम लोग लेते हैं यानी हमें जीने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब उसको हम जो खाते हैं उसमें ढेर सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि फूड में कितने कंपोनेंट। तो देयर आर 7 कंपोनेंट यहाँ लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर, ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट है। अब ये सारे कंपोनेंट हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, जो हम खाते हैं उससे जो हमें प्राप्त होता है यही कंपोनेंट कहलाता है। अब कहता है क्या, पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है जिससे हम किसी काम को कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी के द्वारा ही, ऊर्जा के द्वारा ही हम किसी काम को संपन्न कर पाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जाता है कि किस, कौन सा ऐसा भोजन है, कौन सा ऐसा फूड है, पर इस पर समझिए, कौन सा ऐसा फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। तो जैसे व्हीट हुआ, मेज हुआ, शुगर, ये सब जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। जैसे पोटैटो, आलू, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। अब कार्बोहाइड्रेट कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले ये तीन तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपको पढ़ने को मिलेगा और आगे भी मिलेगा, लेकिन जानकारी के लिए जान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वह जस्ट 2:1 होता है। यानी अगर किसी में 1 ऑक्सीजन पाया जाएगा तो समझिए उसमें हाइड्रोजन की मात्रा 2 होगी। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो होता है 2:1, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब है क्या कि कार्बोहाइड्रेट में पाए क्या जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कंटेन स्टार्च, ग्लूकोज एंड शुगर। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पर देखो कि स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है। स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H10O5। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और शुगर का केमिकल फॉर्मूला C12H22 और O11। यहाँ आपको देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वह 2:1 में होता है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है तो हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है तो हाइड्रोजन 12 है, यहाँ ऑक्सीजन 11 है तो हाइड्रोजन 22 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें जो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होता है उससे हमारा एनर्जी बनता है और एनर्जी के द्वारा हम किसी काम को संपन्न करते हैं, करते हैं। अब है क्या कि मान लो कि अगर कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो तो कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद आपने ढेर सारे फैट्स बनते हैं। अब ये जो बनते हैं तो मान लो कि हमारे शरीर को जरूरी है 225, अब ले लिया मैंने 325, कितना कैलोरी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें 225 से लेके 325 तक। अब हमारे शरीर को जरूरी है 225 और हमने ले लिया 325। अब ये एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट हुआ वह फैट बनकर, सेकेंड कंपोनेंट क्या है इसका, फैट। तो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जितना मुझे जरूरी है, अगर हमें जरूरी है कि हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है 225 ग्राम और हमने ले लिया 325 ग्राम, तो ये 100 ग्राम एवं कैलोरी जो हुआ, 100 ग्राम एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट हुआ वह क्या किया, कहीं न कहीं जाकर मेरे शरीर में एक्स्ट्रा फैट निर्माण करता है। अब एक्स्ट्रा फैट वह जमा कहाँ होता है, तो हार्ट
के इर्द गिर्द या समझो कि ब्लड वेसल जो होता है उसमें वो थिन लेयर की तरह मतलब एक पतला सा लेयर बनकर फैट हमारे शरीर में जमा हो जाता है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लिमिट में लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वह फैट बनकर कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंगों में जाएगा और हमारी बुक कहती है कि यह हार्ट के इर्द गिर्द या ब्लड वेसल में एक थिन लेयर यानी पतला सा लेयर जैसा बैठता चला जाएगा और यह हमारे शरीर को खराब कर देगा। अब खराब जो कर देगा तो फैट हमें कम मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इससे हमें स्टार्च मिलता है, स्टार्च ग्लूकोज के रूप में चेंज होता है, तब जाके वह शुगर बन जाता है। अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जितने भी आप देख रहे हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही हैं। सेकंड टॉपिक फैट, फैट के बारे में हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे।